अब हम तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज पे समझने जा रहे हैं कि भाई रिस्पायरेटरी डिजीज है, यानी सांस लेने की बीमारी है कोविड-19, तो फिर किस तरीके का मास्क प्रयोग करें, कितनी देर प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें और डिस्पोज कैसे करें, इसी बात को हम बोलते हैं मास्क प्रोटोकॉल। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि ज्यादातर फैक्ट्रियों में या ज्यादातर जगहों में हम लोग 3-प्लाई सर्जिकल मास्क प्रयोग कर रहे हैं। 3-प्लाई सर्जिकल मास्क या किसी भी मास्क के साथ में एक परेशानी है। क्या परेशानी है भाई? मास्क जो होता है प्रयोग करने के बाद एक बायो मेडिकल वेस्ट बन जाता है, जिसके अंदर खुद भी पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर खुद भी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है संक्रमण फैलाने की। आपको पता है मास्क जो होता है बहुत देर तक किसी भी व्यक्ति के नाक और मुंह के पास होता है, और किस लिए होता है कि इन्फेक्शन बाहर ना जाए। तो यदि इन्फेक्शन बाहर ना जाए तो एक चांस हो सकता है कि मास्क का जो सरफेस है वो खुद कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड हो जाए, और आपने उस मास्क को किसी डस्टबिन में डाल दिया। क्या हुआ, कोई हाउसकीपिंग का व्यक्ति आया, उस डस्टबिन को क्लीन किया, उस मास्क से वो व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया। फिर उसने पूरे आपके प्रिमाइसेज में साफ सफाई करी, और वो कर तो रहा था साफ सफाई, उल्टा लेकिन पूरा प्रिमाइसेज इन्फेक्ट हो गया। इतना ही नहीं, होता क्या है, हमारा नॉर्मल कूड़ा और हमारा ये बायोमेडिकल वेस्ट यानी हमारे मास्क वगैरह एक साथ हम गार्बेज वाले को दे देते हैं, चाहे म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी हो या जो वेंडर आता हो लेने, और वो दोनों कूड़ा एक साथ ही अपनी गाड़ी में डाल देता है। तो उस कूड़े के ट्रांसपोर्टेशन में, उस व्यक्ति को ले जाने में भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर क्या हुआ, जब वो कूड़ा वहां पहुंचता है स्टेशन पे, सॉर्टिंग होती है ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट की, उस चक्कर में फिर इन्फेक्शन उसको होगा जो सॉर्टिंग किया। फिर जब लैंडफिल में कूड़ा गया तो वहां के आसपास वाले जो लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्या क्या बेसिक बातें हैं? सबसे बेसिक बात तो यही है कि कोई भी डिस्पोजेबल मास्क हो, 3-प्लाई सर्जिकल मास्क हो, मेडिकल मास्क हो, यूज करने के बाद उसको पेपर में रैप करके, चाहे तो न्यूज़पेपर में रैप करके ही डस्टबिन में डालें, पहली बात। दूसरी बात, किस डस्टबिन में डालें, जो कवर्ड हो, रेड कलर की हो, उस पे लिखा हो बायो मेडिकल वेस्ट। जब ऐसी डस्टबिन में आप डालेंगे तो जो व्यक्ति उसको क्लीन करने आया है उसको भी पता है कि इसमें बायो मेडिकल वेस्ट है, तो वो खुद भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपके ग्लव्स, हैंड मास्क, फेस मास्क, फेस शील्ड, ये सारी चीजें पहनेगा। जब आप इसको वेंडर को देंगे तो वेंडर को भी पता है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट है और ये बाकी वेस्ट है, तो इसको मुझे अलग से ट्रीट करना है, अलग से डिस्पोज करना है। यानी आपको वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल बनाना होगा अपने यहाँ, यदि आप डिस्पोजेबल मास्क, मेडिकल मास्क या सर्जिकल मास्क का प्रयोग करते हैं, और तभी प्रयोग करें जब आपके पास एक ऐसी एजेंसी हो जो बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना जानती हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, WHO ने कहा है कि यदि 50% पॉपुलेशन मास्क का प्रयोग करती है, यानी अपनी फैक्ट्री के लेवल पे ले लें तो मेरे होटल में, मेरे रेस्टोरेंट में, मेरी फैक्ट्री में 50% लोग अगर मास्क का प्रयोग करते हैं तो केवल 50% लोग ही इन्फेक्शन से बचेंगे, यानी जो बाकी दूसरे 50 है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन वंस 80% ऑफ पॉपुलेशन वियर्स अ मास्क, द आउटब्रेक कैन बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। यानी यदि 80% लोग ही मास्क पहनना शुरू कर दे मेरे प्रिमाइसेस में, तो इस इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफी हद तक बचाया जा सकता है। यानी इससे बात क्या समझ आई, इससे ये समझ आई, एनी बडी टू एवरी बडी हु इज इन माई फैसिलिटी, माई प्रिमाइसेस, शुड वियर द मास्क ऑल द टाइम इफ दे आर इन टू माई फैसिलिटी। घर पे है, चूंकि घर के लोगों से तो हम सामान्यतया वैसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी क्राउडेड प्लेस में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में है, अपने रेस्टोरेंट में है, जरूर मास्क पहनिए। एक गड़बड़ बात क्या है, गड़बड़ बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं और जब बात करना होता है मास्क नीचे करके बात करने लगते हैं। अभी अभी हमने सीखा है कि न केवल छींकने और खांसने से
बल्कि बोलते टाइम भी वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं और जिनसे इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। तो मास्क पहनने का बेस्ट तरीका क्या है? जब तक पहने, नाक और मुंह को ढक के ही मास्क पहने। नीचे करके अगर आप बात कर रहे हैं तो मास्क का पर्पस अपने आप डिफीट हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो इफ वी गो बाई WHO's रिकमेंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स रिकमेंडेशन, ओनली 3 कैटेगरी ऑफ पीपल कैन यूज मेडिकल मास्क। 3 ही तरीके के लोग मेडिकल मास्क प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन भाई? डॉक्टर्स, इन्फेक्टेड पर्सन, और तीसरा एंड पर्सन टेकिंग केयर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। केवल ये 3 कैटेगरी के लोगों को ही सर्जिकल मास्क का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर हो चाहे संक्रमित व्यक्ति, जैसे मुझ में सिम्टम आने लगे, मैं बीमार हो गया, तो जरूर मुझे सर्जिकल मास्क या मेडिकल मास्क पहनना चाहिए। जो मेरी देखभाल कर रहा है, जो मेरे घर में देखभाल कर रहा है, या जो हॉस्पिटल के नर्सेज हैं, वो लोग मेडिकल मास्क या सर्जिकल मास्क पहने। लेकिन हम सब लोग जो फूड इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इन 3ों कैटेगरी में नहीं आते, तो हमें फिर कौन सा मास्क पहनना चाहिए? हमें पहनना चाहिए एक डबल लेयर 100% कॉटन मास्क। एक कॉटन से बना, 100% कॉटन से बना मास्क पहनना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 लेयर हो। 3 लेयर है और अच्छा है, लेकिन मिनिमम 2 लेयर होना चाहिए। लेकिन क्या ये इफेक्टिव है? कोरोना वायरस से 5 गुना छोटे पार्टिकल्स को इस डबल लेयर कॉटन मास्क, 100% कॉटन मास्क पे बम्बार्ड करके, डाल करके देखा गया, और ये पाया गया कि कोरोना वायरस से 5 गुना छोटे पार्टिकल से में भी ये इफेक्टिव है। तो यदि 5 गुना छोटे पार्टिकल में इफेक्टिव है, तो 100% बात है कि कोरोना वायरस पे भी इफेक्टिव होगा। और क्या बात है? और ब्रीदेबल मटेरियल का है। अगर आपने दोनों तरीके के मास्क यूज किए होंगे तो देखे होंगे, लंबे समय तक कॉटन का मास्क बड़े आराम से पहना जा सकता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए एक कंपैरिजन करते हैं सर्जिकल मास्क में और मेरे 100% कॉटन मास्क में। सबसे पहली बात तो भाई, मेरा सर्जिकल मास्क या डिस्पोजेबल मास्क सिंगल यूज है, जबकि मेरा कॉटन मास्क मल्टीपल यूज है, कई बार पहन सकते हैं। सर्जिकल मास्क भी इफेक्टिव है वायरस के अगेंस्ट, मेरा कॉटन मास्क भी वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। सर्जिकल मास्क को धोया नहीं जा सकता, मेरे कॉटन मास्क को धो के आराम से कितने मर्जी बार पहन सकते हैं। सर्जिकल मास्क की अवेलेबिलिटी भी एक परेशानी है, मुझे या तो मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है या कोई स्पेसिफिक वेंडर से उनसे मंगाना पड़ता है। जबकि कॉटन मास्क, 2 कॉटन मास्क खरीदा, पूरे महीने भर की टेंशन खत्म, धो धो के पहनते रहे। और आखिरी चिंता वाली बात, सर्जिकल मास्क को डिस्पोज करना मुश्किल है, बायोमेडिकल वेस्ट की तरह डिस्पोज करना पड़ेगा, जबकि कॉटन मास्क को तो डिस्पोज ही नहीं करना, उसको तो धो के आराम से पहन लेते हैं। तो एक बात तो पक्की हो गई भाई कि चलो हम लोग को 100% कॉटन मास्क प्रयोग कर लेना चाहिए। कुछ लोग हैं 95 मास्क भी आप में से यूज करते होंगे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस, किसी भी तरीके का मास्क प्रयोग करना हो, मास्क पहनने से पहले क्या ध्यान देना है और मास्क उतारने के बाद क्या ध्यान देना है, वो हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, तो यदि मुझे एक वॉशेबल मास्क मिल रहा है, जो मास्क हम धो सके, सर्जिकल मास्क नहीं, मेडिकल मास्क नहीं, एक वॉशेबल मास्क है जो पैक्ड नहीं है, तो जैसे ही मुझे वो मास्क मिलता है, पहनने से पहले उसको अच्छे से धो लें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कई लोगों के हाथों से लग लग के वो मास्क आगे गया हो, एक तो वो इन्फेक्शन आ सकता है, दूसरा नॉर्मल धूल, मिट्टी, डस्ट पार्टिकल भी आ सकते हैं, और हमारी नाक और मुंह के पास ये मास्क तो बड़ी देर तक रहने वाला है, तो फिर बहुत ज्यादा चांस है कि ये मास्क से ही हमें कोई संक्रमण हो जाए। भले कोरोना वायरस ना हो, लेकिन धूल के कारण हमें संक्रमण हो सकता है, इसलिए मास्क मिले तो धो के पहने, बशर्ते वो धोने वाला मास्क हो। दूसरी बात, मास्क पहनने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धो ले, क्योंकि आपको ध्यान है मास्क बहुत देर तक हमारे नाक और मुंह के पास रहने वाला है, तो यदि मेरे ही हाथों से मास्क की सरफेस कंटामिनेट हो गई फिर क्या करेंगे? इसलिए मास्क टच करने से पहले हैंड्स को क्लीन प्रॉपरली वॉश करें। तीसरा,
मास्क कितनी देर तक पहनना चाहिए। कोई सा भी मास्क हो, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, N95 मास्क हो, 100% कॉटन मास्क हो, केवल मैक्सिमम 6 घंटे तक ही पहन सकते हैं। फिर 6 घंटे के बाद अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो कागज में लपेट के डिस्पोज करिए, और आपका वॉशेबल मास्क है तो ले जाके वॉश करिए, वॉश करने के बाद ही पहनेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, एक मैक्सिमम तो 6 घंटे तक पहन सकते हैं, लेकिन यदि आपके मुंह से निकलने वाले वाटर ड्रॉपलेट से, मुंह से निकलने वाले फ्लूइड से वो मास्क पहले ही गीला हो जाता है, 1 घंटे में हो गया, 2 घंटे में हो गया, 4 घंटे में हो गया, तो जैसे ही वो गीला होता है, वो वेट होता है, आपको अपना मास्क चेंज करना पड़ेगा। एक डैम्प मास्क, एक वेट मास्क वुड नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट इट्स इंटेंडेड यूज। जैसा आप सोच रहे हैं, अगर मास्क गीला हो गया तो अपना पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। इसलिए मास्क गीला हो तुरंत बदल दीजिए, नहीं गीला हो तो 6 घंटे बाद बदल लीजिए। अगली बात, सिंगल यूज मास्क को रीयूज नहीं करें। हमारी आदत क्या है, सर्जिकल मास्क लिया, आज पहना, घर आए ले आके टांग दिया, अगले दिन फिर पहन लिया। 6 घंटे बाद आपका सर्जिकल मास्क इफेक्टिव नहीं रह जाता है, तुरंत पेपर में लपेटे और फेंक दे। कपड़े का मास्क, 100% कॉटन मास्क, 6 घंटे बाद इफेक्टिव नहीं रह जाता है, अगले दिन उसको भी नहीं पहनना है बिना वॉश किए। और क्या क्या बातें जो आफ्टर व्यूज ध्यान देनी है, सबसे पहली बात, मास्क के फ्रंट सरफेस को ना टच करें। अभी अभी हमने सीखा था कि मास्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, बाहर से और अंदर वाले संक्रमण को रोकना, तो यानी उसकी दोनों सरफेस कंटामिनेट हो सकती है, और मैंने हाथ से टच किया तो इन्फेक्ट मेरा हाथ भी हो सकता है, और अगर मैंने अपनी आंख नाक मुंह टच किया तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है, तो फ्रंट पोर्शन को नहीं टच करना। फिर मास्क उतारे कैसे, जो ये स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उससे ही पकड़ के मास्क को उतारें। मास्क उतारने के बाद क्या करें, चूंकि मास्क एक बायोमेडिकल वेस्ट है तो कम से कम 40 सेकेंड्स तक हैंड वॉश करें। इससे एक बात तो समझ आ रही है कि हम 100% कॉटन मास्क यूज कर सकते हैं, तो अगर यूज कर सकते हैं तो फिर हम ये भी समझते हैं कि भाई 100% कॉटन मास्क को हम वॉश कैसे करें, धोए कैसे भाई। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, ना कोई डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, ना सैनिटाइजर यूज करना है, सिंपली आप साबुन से और गुनगुने पानी से, हल्के से वार्म वाटर से इस मास्क को धोइए। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा क्या है, कम से कम 5 घंटे के लिए सन ड्राई करिए, सूरज की रोशनी में सुखाइए। यदि धोने के बाद आप अपने मास्क को 5 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में सुखा देते हैं, योर मास्क वुड बी एज गुड एज न्यू टू यूज, नए मास्क जैसा हो जाएगा प्रयोग करने के लिए। ना कोई डिसइंफेक्टेंट चाहिए, ना कोई सैनिटाइजर चाहिए। लेकिन मान लेते हैं अगले दिन सुबह ही मॉर्निंग शिफ्ट है, फिर क्या करें, मॉर्निंग शिफ्ट है, सूरज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्या करना है, एक प्रेशर कुकर लेना है, प्रेशर कुकर में नमक थोड़ा सा डालना है, पानी डालना है, बॉइलिंग वाटर, और अपने मास्क को कम से कम 10 मिनट के लिए बॉयल करें। अगर हम कुकर में मास्क को 10 मिनट के लिए बॉयल कर देते हैं, माई मास्क वुड बी एज गुड एज न्यू टू यूज, एकदम नए जैसा हो जाएगा, कोई सैनिटाइजर, कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं। लेकिन आप कहेंगे नहीं, हम किचन का कुकर नहीं यूज करेंगे, उसमें मेरे को दाल बनाना है। कोई बात नहीं, किचन का नहीं यूज करना चाहते कुकर, कोई ओपन बर्तन, कोई सा भी ओपन कंटेनर यूज कर लीजिए। बस फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 15 मिनट के लिए मास्क बॉयल करना पड़ेगा, और उसके बाद एयर ड्राई करिए। यानी ओपन कंटेनर है तो नमक और पानी के साथ 15 मिनट बॉयल करना पड़ेगा। आप कहते नहीं जी, हम बर्तन ही नहीं यूज करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं यूज करना चाहते बर्तन, सिंपल गुनगुने पानी और साबुन से मास्क को धोइए, और 5 मिनट के लिए प्रेस करके सुखा दीजिए, आयरन करके सुखा दीजिए। आयरन करके सुखाने के बाद योर मास्क वुड बी एज गुड एज न्यू टू यूज। तो ये तो थी साधारण 100% कॉटन मास्क को प्रयोग करने की बात। अब आप में से कुछ लोग N95 मास्क भी प्रयोग करते होंगे। N95 मास्क के बारे में एक जरूरी बात समझ लीजिए, N95 मास्क इज एसेंशियली अ एंटी पॉल्यूशन मास्क, यानी पॉल्यूशन के पार्टिकल्स को रोकने के लिए बना है। तो उसके खास बात क्या होती है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है
जो बाहरी पार्टिकल्स को फिल्टर करता है, अंदर नहीं आने देता है। हमें क्या ध्यान देना है, जब भी हमें N95 मास्क यूज करना है, कम से कम 2 N95 मास्क होना चाहिए। आज मैंने N95 मास्क 6 घंटे प्रयोग किया, अगले दिन क्या करना है, वो N95 मास्क को धूप में सूखने के लिए रखिए कम से कम 5 घंटे, यानी सन ड्राई करिए, और उस दिन दूसरा N95 मास्क पहनिए। फिर अल्टरनेट डेज ऐसे सुखा के पहनिए, तो आप 2 N95 मास्क आराम से यूज कर सकते हैं। क्योंकि यदि इस N95 मास्क का जो फिल्टर है वो गीला रह गया, तो ये मास्क भी इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने मास्क तो पहना लेकिन वो मास्क किसी काम का नहीं रह गया।